आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का सौरभ नर्सरी में स्वागत है। अगर मेरा चैनल देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट और कितने अच्छे प्लांट नर्सरी में मिलते हैं और कितने सीजन प्लांट मिलते हैं। चलो हम आपको देखिए दोस्तों कितने अच्छे प्लांट रखे हैं। सभी ये गुलाब हैं, गुलाब के फूल आप भी देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से खिले हुए हैं। और इनका एक खासियत होता है आप 15 दिन में खातर डालिए इनमें नई नई कली निकलती रहेंगी। और शाम को पानी डालना, सुबह पानी कभी नहीं डालना। ये देखो सब नई नई कली लाल लाल फूट रही हैं ना, वो नई नई कली हैं। और शाम को ही खातर शाम को ही पानी डालना है और बहुत ही अच्छा आपका ग्रोथ करेंगे ये प्लांट। और पानी भी शाम को ही देने का है आपको। खातर 15 दिन में दोगे ना तो बहुत ही अच्छा खिल जाएगा सभी प्लांट। आप भी कहोगे कि हाँ ऐसे प्लांट हमने कभी नहीं देखे हैं इतने ज़्यादा फूल, किसी के यहाँ इतने ज़्यादा फूल नहीं मिलेंगे। और देखो मेरे यहाँ कितने ज़ोर से फूल हैं, बहुत ही अच्छे फूल हैं। ये रात करण रखी है और करण देखो कितनी ज़ोर से फूल दे रही है। वो आंगू जासूद रखा है, देखो कली कली निकल रही है जासूद में। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़ोर से कली निकल रही हैं जासूद में, बहुत ही अच्छी कली निकल रही हैं। ये रखा है कुंडा बेल, ये वाइट फूल आता है ना ये पूरा भर जाता है, कुंडा बेल बोलते हैं। बहुत ही अच्छे फूल निकलते हैं इसमें। और ये आ जाइए अब अड़ेडियम गणेश चंपा, देखो ये छोटा छोटा प्लांट है अभी, ये देखो बड़ा रखा है। देखो आप कितने अच्छे फूल प्यारे निकल रहे हैं। इसका थड़िया दिखाता हूँ, इतना मोटा थड़िया हो गया है इसका। देखो ये भी देखो कितना अच्छा है। और ये भी देखो, ये तो बिल्कुल मामूली सा था, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये स्नेक प्लांट पूरा रखा है, ये पूरा स्नेक प्लांट है। और इधर फिर अंदर जाओगे तो सीजन प्लांट पूरा भरा है, देख सकते हो पूरा सीजन प्लांट, जरबीरा वगैरह, कलंचू, पिग्लोमिया, बारहमासी, सेवंती, पेंथा सेंथा, सब भरा है पूरा सीजन प्लांट। गलगोटा और गणेश चंपा आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है देखने में, बहुत ही अच्छी है। देखो कितनी अच्छी लग रही है, घुमा के दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से ही दिखा देता हूँ कितना अच्छा लगा है। नेक नेक से कोट में रखा है, बताओ तो ये जासूद रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सभी प्लांट बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखिए और अपने घर में गार्डन बनाइए। अपने हाथ से गार्डन बनाओगे तो कुछ अच्छा भी लगेगा आपको भी। ये मोरपंख रखी है, ये बोनसाई बनाने में बहुत टाइम लगता है, इनको पानी कम दिया जाता है और खातर 15 दिन में तो चाहिए ही। और बोनसाई बनाने में कम से कम टाइम लगा होगा तो 3 या 4 साल तो लगा ही होगा, तब इतना मोटा होता है और बहुत ही स्लो चलता है, 3-4 साल से ज़्यादा ही लगा होगा। देखो मेरे पास तो बहुत सारी है, मैं सब खरीद के लाता हूँ, मैं यहाँ कोई तैयार नहीं करता हूँ, सब खरीद के लाता हूँ। और ये देखो मधु कामनी बोनसाई, इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, ये मधु कामनी बोनसाई है। और ये देखो मेरे पास फिर गुलाब आ गए हैं, देखो गुलाब, बहुत गुलाब मेरे पास पड़ा है। ये वैलेंटाइन बड़ा है। और ये देखो बोगनवेल है, ये भी बोगनवेल है, ये देखो गुलाब है, ये देखिए चाइनीज़ गुलाब कितना भरा हुआ रखा है, चाइनीज़ गुलाब पूरा चाइनीज़ गुलाब है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट हैं। और ये आपका बाइट जामुन बोलते हैं, जामुन बाइट जामुन, देखो छोटे से प्लांट में फल लगा हुआ तैयार है। और ये बड़े बड़े प्लांट रखे हैं सब फल वाले, ये फल वाले प्लांट हैं टोटली। चीकू है, सब कुछ भरा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए सब घर के अंदर के भी प्लांट हैं यहाँ पे। चलो आपको इतना दिखाया और आप लोग देखते रहना मेरा चैनल, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना क्योंकि ये मेरा चैनल और अच्छा हो जाए। जय हिंद, जय भारत।